ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई ये वाली वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ डेमन स्लेयर सीजन 3 के जो लेटेस्ट वाला अभी एपिसोड 7 आया है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भाई दिल से सब्सक्राइब मार दो यार सब। यार तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, बिल्कुल रात की एक एक दो दो बजे तक भाई जग के एडिटिंग कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तो भाई चलो हम ये वाले सीजन एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को करते हैं चालू। तो लास्ट सीजन में जैसे लास्ट एपिसोड में हमको दिखा था कि भाई तांजिरो बस उस पर मारने जाता है तलवार, हमारे हान तेंगू पे जो छोटा वाला पीस रहता है उस पर माने आता है और वहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि भाई अगले एपिसोड में क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में भाई तांजिरो बिल्कुल अपनी तलवार से उसके गले काटने जाता है, हमारे जो हांतेंगू का जो फियर वाला डीमन रहता है उसके काटने जाता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे कुछ आ जाता है। वो तांजिरो सोचने लगता है कि भाई क्या है मेरी चीज़, ये पीछे मेरे कौन है। उसके बाद वो सोचता है कि भाई यहाँ पे जो हमारे सेकिदो आइजेत्सु काराकू जो रहते हैं और उरोगी, वो चार डीमन नहीं है, ये कोई और ही है। वो सोचता है कि मेरे को उनकी स्पेल नहीं आ रही है, ये कोई और ही डीमन है, मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैं सिर्फ इस डीमन की गर्दन को स्लैश करने पे फोकस करूंगा। फिर तांजिरो बोलता है कि अब मैं उसको और बिहेड नहीं कर सकता, और तांजिरो की जो ब्लड पावर थी वो भी चले आती है जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद जेने तांजिरो से बोलता है कि तांजिरो मेरे रास्ते से हट, और फिर तांजिरो सोचता है कि जेने भी मुझे शूट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसके रास्ते में आऊंगा और मुझे गोली लग जाएगी। इतने में ही भाई वो जो पीछे को डीमन रहता है तांजिरो के, वो अपने हाथ में से कुछ निकालता है और एक ड्रम बजाता है जिससे भाई एक अटैक आता है तांजिरो की तरह, और तांजिरो हवा में उड़ जाता है। उसके बाद हमको दिखते हैं कि भाई बड़े बड़े लकड़ी के ड्रैगन रहते हैं भाई जिन, और उन पे तांजिरो लटका हुआ रहता है, तांजिरो उनको डॉज करता है। तभी वहाँ पे एक और ड्रैगन तांजिरो जब हवा में रहता है वो तांजिरो पे अटैक करने आता है, लेकिन वहाँ जाती है नेजुको और वो तांजिरो को हवा में कैच करके उसको बचा लेती है। फिर तांजिरो पीछे मुड़ता है, तांजिरो पीछे हांतेंगू खड़ा रहता है और वो तांजिरो से बोलता है कि तुम शैतान लोग सिर्फ जो वीक रहते हैं उनको सिर्फ पेन देते हो और उनको भाई बहुत टॉर्चर करते हो। और उसके बाद भाई बहुत खतरनाक आंखें दिखती है हमको हांतेंगू की, जिसको देख के एकदम से तांजिरो शॉक हो जाता है और एकदम भाई बहुत खतरनाक तरीके से शॉक होता है। उसके बाद हमको हांतेंगू का फुल फॉर्म दिखता है कि वो कैसा दिखता है, और तांजिरो से बोलता है कि तुम लोग भयंकर विलन हो। फिर तांजिरो एकदम शॉक में रहता है और बोलता है कि भाई 6 डीमन ऑलरेडी, 4 कम थे क्या भाई जो 6 डीमन आ गया। और उसके बाद बोलता है कि नहीं, ये 6 डीमन नहीं है क्योंकि जो 4 इमोशन वाले जो डीमन थे मुझे उनका कोई भी पता नहीं है, उनका कोई भी ट्रेस नहीं है। फिर उस डीमन के साइड में हमारा जेन्या रहता है जो सोचता है कि भाई यहाँ आखिर में हो क्या रहा है। अभी एक सेकंड पहले तो ये जो डीमन था ये वो एंगर डीमन था, मतलब कि सेकी तो, और जिस टाइम पे तांजिरो बस उसका गला काटने ही वाला था तभी इस डीमन ने अपने दोनों हाथ, मतलब सेकी दोनों अपने दोनों हाथ ऊपर करे और भाई कराकू और उरोगी को भाई अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके नेक्स्ट सेकेंड में वो गया आइजेत्सु के पास और अगले सेकेंड में उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ हो क्या रहा है, क्या इसने उनके बाकी 3 डीमन के साथ फ्यूज कर लिया। और फिर जेन्या बोलता है कि अब तो और भी यंगर हो चुका है और उस मेन बॉडी से भी सरपास कर दिया स्ट्रेंथ में। फिर हांतेंगू एक ड्रम बजाता है और अपनी मेन बॉडी को सराउंड कर लेता है, यही देख के तांजिरो से बोलता है कि रुको। और जैसे ही हांतेंगू तांजिरो की तरफ अपनी खतरनाक आंखों से देखता है तांजिरो एकदम वही शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा ओवरपावरिंग हो रहा है। और फिर हांतेंगू बोलता है तांजिरो से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जो मैं कर रहा हूँ। फिर गेन्या बोलता है कि ये पावर, ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हैवी, और ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिम्स से मेरी स्ट्रेंथ खींच ली हो और मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। फिर तांजिरो गुस्से में हांतेंगू से बोलता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमको शैतान विलन बनाता है। तो हांतेंगू बोलता है कि तुम लोग है ना वीक को टॉर्चर करते हो और पेन देते हो, अभी अभी तुमने उस वीक और छोटे से इंसान को मारने की, मतलब छोटे से बींग को मारने की कोशिश करी जो मुश्किल से तुम्हारे हाथ में आता है। फिर तांजिरो गुस्से में हांतेंगू से बोलता है कि वीक और स्मॉल इन सब के बारे में तुम मुझे मत बताओ, जो तुम ब्लड स्मेल जो तुम दे रहे हो वह 100 नहीं, तुमने 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारा होगा। क्या उन लोगों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था आज तक जो तुमने उन लोगों को मारा है, तो ये सब चीज़ तुम मुझे मत सिखाओ, ऐसा तांजिरो बोलता है। और फिर तांजिरो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें तो मैं ही बीहेड करूँगा। फिर हांतेंगू तांजिरो से बोलता है कि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर था, तो तांजिरो बोलता है नहीं। तो फिर उसके बाद हांतेंगू बोलता है कि फिर तो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो तांजिरो बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों को तुमने मारा है उन लोगों ने सफ़र किया है और मैं अब उन्हें और सफ़र नहीं करने दूंगा। तो फिर से हांतेंगू बोलता है कि
इसका मतलब तुम्हें तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है इन सब बातों से। तो तांजिरो बोलता है कि अगर तुम इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो तो यहाँ तो फेंड मतलब कि शैतान तुम हो। तो एकदम से हानते को गुस्सा होता है और भाई उस पर अटैक करने जाता है तांजिरो पे, और तांजिरो स्लैश करता है और यहाँ पे एकदम से सीन चेंज हो जाता है। तो इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि तोकितो अभी भी उस ब्लड डेमन आर्ट के पॉट में फंसा हुआ है, और ग्योको तोकितो से बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे तड़पते हुए मरना, लेकिन अभी मुझे उससे ज़्यादा देखना है कि भाई उस शेक में क्या है जिसको तुम लोग इतना फियर्स होके अभी प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसके बाद तोकितो बोलता है कि अब मैं सिर्फ एक अटैक ही और मैनेज कर सकता हूँ, और वो एकदम से भाई मिस ब्रीडिंग और अटैक यूज़ करता है, लेकिन वो तब भी उस स्पॉट को नहीं तोड़ पाता। उसके बाद म्यूचिरो बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। उसके बाद उसको सामने उबुयाशी की दिखते जो कि इनके मास्टर रहते डीमन स्लेयर के, और वो उनसे बोलता है मास्टर से कि मास्टर मैं मरने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप दो हाशिरा को भेजना मदद के लिए। फिर तोकितो को एक इमेजिनरी तांजिरो दिखता है उसके सामने, जो कि तोकितो से बोल रहा रहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और फ्यूचर का किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है। तो तोकितो एकदम सोचता है कि ये क्या हो रहा है, तांजिरो ने तो मुझे से ऐसा कभी नहीं कहा, तो ऐसा किसने कहा। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि ग्योको शोक शेक में पहुंच चुका है, और वहाँ पे एक स्वॉर्ड स्मिथ जो रहता है वो ग्योको को रोकता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तो ग्योको अपने हाथ में से एक पॉट निकालता है और बहुत तेज वॉटर का अटैक करता है, जिससे कि भाई एकदम कट पिट जाता है उस स्वॉर्ड स्मिथ का, और वो नीचे गिर जाता है। फिर ग्योको देखता है कि स्वॉर्ड स्मिथ के पीछे हमारा हानेसुका बैठा रहता है, जो तांजिरो से ली हुई स्वॉर्ड को भाई उसकी धार बना रहा रहता है, और बोल रहा रहता है कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्ड है। फिर ग्योको हानेसुका को आवाज़ देता है, लेकिन हानेसुका उसको बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वो अपनी स्वॉर्ड में लगा रहता है और बोलता है कि भाई इस स्वॉर्ड का क्रिएटर कौन है, और इसने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर क्यों लिखा है अपने नाम की बजाय इस स्वॉर्ड पे। यही देख के ग्योको को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि यार ये किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको इस हानेसुका को मेरे आने का यहाँ पे पता ही नहीं चला, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी एंटायर लाइफ में इतना खतरनाक कॉन्सेंट्रेशन कभी नहीं करा, और एज एन आर्टिस्ट ये मुझे बहुत जेलस फील करा रहा है। और फिर ग्योको हानेसुका पे भी वही वाटर अटैक करता है, लेकिन हानेसुका अभी भी भाई उस स्वॉर्ड को फोर्स करता रहता है। फिर वापस से ग्योको को गुस्सा आता है और वो सेकंड बार वापस से वाटर अटैक करता है, लेकिन भाई हानेसुका अभी भी नहीं रुकता, और उसका सब कुछ मास्क टूट जाता है, और यहाँ पे हमको हानेसुका का रियल फेस दिखता है कि वो कैसा दिखता है। फिर हानेसुका बोलता है कि मुझे समझ आ चुका है, इस स्वॉर्ड पे उसका नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक कैरेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्वॉर्ड है इसको सिर्फ एक ही सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन से बनाया गया है, और सिर्फ एक सोल पर्पस के लिए बनाया गया है। फिर ग्योको काफ़ी गुस्सा रहता है और बोलता है कि इसको मारना तो बच्चों का खेल है, लेकिन मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन तोड़ना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि तोकितो अभी भी उस वाटर पॉट में फंसा हुआ, और बोलता है कि मेरा विजन अब ब्लर होते जा रहा है और मैं मरने वाला हूँ। तो फिर इमेजिनरी तांजिरो तोकितो से बोलता है कि तुम खुद के लिए डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कब खत्म होगा। फिर तोकितो बोलता है कि तुमने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। तो फिर तांजिरो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, कोई ना कोई तुम्हें बचाने आ ही जाएगा। तो तोकितो बोलता है कि अब मुझे ये सब दूसरे पे छोड़ना पड़ेगा, ये तो सबसे वर्स्ट थिंग होगी जो मैं करूंगा, और बोलता है कि यहाँ पे कोई भी मुझे सेव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सब मुझसे कमजोर है। मुझे स्ट्रांग होना था पर मैंने मिसजज करा और अपने स्किल को ओवर एस्टिमेट करा, क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ। फिर तांजिरो बोलता है कि गलत नहीं हो म्यूचोरो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर तोकितो बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं। लेकिन वहाँ पे तभी आ जाता है हमारा कोतेत्सु, और वो तोकितो को बचाने की कोशिश करता है बाहर से। फिर तोकितो बोलता है कि जब मैं इसे नहीं काट पाया तो तुम भला इसे कैसे काट लोगे, तुम्हारे पास ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटीज़ है मेरे से ज़्यादा, जाओ चीफ को प्रोटेक्ट करो, पर हाँ ये तो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो एटलीस्ट जितनी स्वॉर्ड हो सके उतनी सारी स्वॉर्ड लेके यहाँ से भाग जाओ। इतने में एक फिश डीमन कोतेत्सु के पीछे आ जाता है, और वो कोतेत्सु पे अटैक करने लगता है, और उसके बाद उसके पेट में भाई वो चाकू घोप देता है, और तोकितो वहाँ पे बोलता है कि इसके वाइटल स्पॉट में लग चुकी है कोतेत्सु के, ये यहाँ से मरने वाला है। लेकिन कोतेत्सु जैसे तैसे भाई एकदम आता है तोकितो के पास, और भाई वो बाहर से अंदर तोकितो को भाई मुँह में एयर देता है, जिससे कि भाई वो सांस ले सके। और उसके बाद तोकितो को तांजिरो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी की मदद करोगे तो घूम फिर के तुम्हें तुम्हारी भी कोई मदद कर ही देगा। और साथ में एक और पर्सन दिखाया जाता है, जो कि तो वहाँ पे बोल रहे रहते हैं कि ह्यूमन से ऐसे क्रिएचर है जो कि भाई बहुत खतरनाक अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ समन करते हैं खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए। और इसके बाद तोकितो मिस्ट ब्रीथिंग सेकेंड फॉर्म 8 लेयर मिस्ट का यूज़ करके उस स्पॉट को काट के फाइनली उस स्पॉट से बाहर आ जाता है। और उसके बाद तोकितो बोलता है कि अब मुझे याद आ गया है तांजिरो, मेरे फादर की भी सेम रेड आइज थी तुम्हारे जैसे। और यहाँ पे हमारा एपिसोड हो जाता है ख़त्म।
तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और शेयर, और भाई बहुत सारा प्यार दिखा। और आपको इस तरह के कंटेंट भाई पसंद है तो बिल्कुल चैनल से भाई बन जाओ परमानेंट। भाई बहुत सारी क्रेजी क्रेजी वीडियोज़ आने वाली है, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी आएगी, फैक्ट्स वीडियोज़ भी आएंगी, हर तरह के आपको वीडियो मिलेगा एनिमे से रिलेटेड। तो भाई सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो, उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ, देखते हैं हम कौन सी बनाते हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।